23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी दोनों पहुंचे थे, जिसमें जय श्री राम के नारे लगने के बाद सियासत तेज हो गई। वहीं ममता बनर्जी के बाद अब आरएसएस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी दोनों मौजूद थे। लेकिन ममता के मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिससे दीदी नाराज हो गईं और सियासत गर्मा गई। अब नारे लगाने वाली घटना से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी भी सामने आई है। आरएसएस की बंगाल यूनिट के महासचिव जिष्णु बसु का कहना है कि आरएसएस का मत है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने वाले सरकारी कार्यक्रम में इस तरह के जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे। जो कुछ हुआ संघ उससे नाखुश है। ऐसे लोगों के मन में ना तो नेताजी का सम्मान है और न भगवान राम का। जिन लोगों ने ये नारा लगाया उनकी पहचान होनी चाहिए। बीजेपी को इसमें शामिल लोगों को खोजना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कहीं ये किसी किस्म की साजिश तो नहीं थी। आपको बता दें कि जय श्री राम के नारे लगने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भाषण देने से इनकार कर दिया था। ममता ने कहा था कि सरकार के कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपको किसी को आमंत्रित करने के बाद उसका अपमान करना शोभा नहीं देता है। मैं यहाँ किसी को अपमानित नहीं करूँगी। ममता के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।